सुप्रभात बच्चों, आप लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर लीजिए और आज आइए पढ़ाई के इस जगत में, व्याकरण जगत में, जहाँ से छोड़ करके कल मैं आप लोगों को चला गया था। पूरी पढ़ाई क्रिया चैप्टर का नहीं हो सका, इसलिए पुनः मैं आज क्रिया से ही क्रिया चैप्टर को ही पढ़ा रहा हूँ और जो शेष इसमें बच गए थे उसको भी मैं आज पूरा कर दूँगा। लेकिन आज के बाद शायद ऐसा प्रतीत होता है कि कल से व्याकरण की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह सर्वविदित हो गया है। आप लोगों को भी शायद मालूम हो गया होगा कि अब आप लोगों की परीक्षा होने वाली है, ऑनलाइन परीक्षा होगी 2 जुलाई से आप लोगों की परीक्षा होने वाली है। तो बहुत दिन हो गया किताब का रिवीजन करवाए हुए, थोड़ा परीक्षा से संबंधित बातों को बताते हुए उस टाइप का क्वेश्चन आंसर पर प्रकाश डालना ज़रूरी है, इसलिए मैं पुस्तक से ही कल से पढ़ाई पुनः शुरू करने जा रहा हूँ। आज व्याकरण का जो खंड है क्रिया, ये क्रिया आज समाप्त कर दूंगा। क्रिया के बारे में मैं कल बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल धातु होता है, धातु से ही क्रिया की उत्पत्ति होती है। धातु में कृदंत प्रत्यय लगाया जाता है तो क्रिया बन जाता है, क्रिया के अंत में ये प्रत्यय जो लगाया जाता है, जैसे ना प्रत्यय। क्रिया एक धातु है, जैसे मान लीजिए कि पढ़ तो मूल हो गया और पढ़ में ना लगा दीजिए तो ना कृदंत हो गया। वैसे बहुत ऐसे शब्द हैं, प्रत्यय हैं, जो क्रिया के अंत में लगाए जाते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जो संज्ञा के बाद लगाया जाता है, संज्ञा शब्द के लास्ट में, सर्वनाम, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, इन चारों के अंत में जो प्रत्यय लगाया जाता है तद्धित प्रत्यय होते हैं, और क्रिया के अंत में लगाया जाता है कृदंत प्रत्यय होते हैं। तो धातु व्युत्पत्ति के विचार से धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु कहते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, जो किसी शब्द पर आश्रित नहीं होता है, जैसे खा, पी, जा, आ, पढ़। तो ऐसे जो क्रियाएं हैं, धातु हैं, जो मूल धातु हुआ। उसके बाद यौगिक धातु ऐसे धातु होते हैं जिसमें जो अन्य शब्द पर भी आश्रित होता है ना, जैसे खा से हो गया खाया, पढ़ से हो गया पढ़ा, तो ये सब यौगिक धातु हो गए। अब यौगिक धातु का जहाँ तक सवाल है, उसके भी मैं 3 नियम आपको बताए थे। पहला नियम ये बतलाए थे, यौगिक धातु का पहला नियम मैं आपको ये बतलाया था कि धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया बदल जाता है। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया बन जाता है, ठीक है। दूसरा,
कई धातुओं को मिलने से संयुक्त धातु का निर्माण होता है। तीसरा, मैंने आपको कहा था कि संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनाया जाता है। ये तीन बात मैंने आपको कल भी पढ़ा दिया था। अब आइए, प्रेरणार्थक क्रिया भी मैंने आपको पढ़ाया था। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है कि जब किसी वाक्य में संज्ञा स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करे कार्य करने के लिए, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस संदर्भ में भी मैं आपको कल डिटेल में बतलाया था, कॉजेटिव भार कहलाता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया को। जैसे मोहन मुझसे किताब लिखाता है, नहीं तो लिखाता है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया ये। और लिखवाता है अगर होता तो तृतीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया जैसे मूल धातु में जो होता है ना, उसमें दो तरह की प्रेरणार्थक क्रिया, एक द्वितीय प्रेरणार्थक और एक तृतीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उठना का उठाना द्वितीय प्रेरणार्थक, उठवाना तृतीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब यौगिक क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है यौगिक क्रिया होता है। जैसे चलना चलाना, हंसना हंसाना, ये सब यौगिक क्रिया के रूप हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रियाएं बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया मात्र दो चीज में प्रत्यय लगाने से बनता है, एक संज्ञा में, दूसरा विशेषण में। हाथ क्या है? संज्ञा। तो हाथ का प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो गया? हथियाना, है ना? हाथ का हथियाना, बात का बतियाना, बात भी संज्ञा है। उसी प्रकार विशेषण में आया चिकना, तो चिकनाना, चिकना का क्या होगा? चिकनाना, गर्म से गर्माना। ये सब कल मैं पढ़ा दिया था आपको। अब आइए, ये तो व्युत्पत्ति के विचार से हुआ, व्युत्पत्ति के विचार से हुआ धातु के भेद, मूल धातु और यौगिक धातु। लेकिन रचना के आधार पर क्रिया के भेद समझ लीजिए, रचना के आधार पर क्रिया के भेद दो भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होते हैं सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में जो क्रिया कर्म के साथ हो सकर्मक हुआ, और जिस क्रिया में कर्म नहीं हो अकर्मक क्रिया कहलाता है। कर्म के साथ जो क्रिया होता है सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं होता अकर्मक क्रिया होता है। इसकी परिभाषा है कि जिस वाक्य में क्रिया का फल अगर कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया, और क्रिया का फल अगर कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, जैसे राम आम खाता है, यह एक सकर्मक क्रिया हुआ, क्योंकि राम संज्ञा हो गया, कर्ता हो गया,
और खाना क्रिया हो गया। आम हो गया कर्म। आम खाना जो क्रिया कर्म के साथ है, क्रिया किसके साथ है? आम के साथ है, जो कि आम कर्म है, तो इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसी वाक्य में अगर आप आम को हटा दीजिए तो अकर्मक क्रिया हो गया। प्रश्न पूछिए राम क्या खाता है, जवाब नहीं मिलेगा। सकर्मक और अकर्मक की एक और पहचान है कि प्रश्न पूछिए वाक्य में, प्रश्न का अगर उत्तर आपको मिल गया तो सकर्मक हो गया। उत्तर अगर नहीं मिला क्रिया कर्मक हो गया, ठीक है। उत्तर नहीं मिला अकर्मक क्रिया हो गई। तो सकर्मक और अकर्मक भी जान गए। देखिए क्रिया के परिवार में कितने सदस्य हैं, धातु हैं, क्रिया है, मूल धातु है, यौगिक धातु है, नहीं नाम धातु है, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया है, उसके बाद सकर्मक क्रिया हुआ, अकर्मक क्रिया हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया हुआ, यौगिक क्रिया हुआ, उसके बाद आपसे कह दूँ द्विकर्मक क्रिया। एक होता है द्विकर्मक, जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया है। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। एक ही वाक्य में दो दो तरह के कर्म हैं। एक उदाहरण मैंने तुम्हें दिया कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, मैं हो गया कर्ता, लड़के को हो गया कर्म, वेद हो गया कर्म, पढ़ाना हो गया क्रिया, और हूँ हो गया सहायक क्रिया। जो क्रिया की को पहचानने में सहायता करे वो सहायक क्रिया हो। बहुत से आप जानते होइएगा कि 22-24 को सहायक क्रिया होता है, है हो हूँ था थी थे गा गी गे, ये सब सहायक क्रिया है, जिससे क्रिया के समय का पता चल जाता है। वाक्य में क्रिया किस समय कौन काम कर रहा है, तदनुसार क्रिया हो। तो ये हो गया द्विकर्मक क्रिया। एक होता है पूर्वकालिक क्रिया, ये हो गया द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब एक ही वाक्य में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एक होता है
लगाने की क्रिया पूर्वकालिक क्रिया जहाँ एक ही वाक्य में दो क्रियाएं हो तो पहले वाले क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं नहा कर भोजन करता हूँ, मैं तो हो गया करता, नहा कर नहाना, नहाना कर तो प्रत्यय हो गया, नहा मूल धातु हो गया और उसमें ना लगा दीजिएगा तो क्रिया हो जाएगा नहाना। जितना भी मूल धातु में ना लगाने के बाद जो होता है वही ना क्रिया होता है, नहाना, पढ़ना, खाना, पीना, दौड़ना, धूपना, उछलना, कूदना, सब क्रिया है। तो नहाना क्रिया है, क्रिया से ही नहाकर हुआ है तो क्रिया ही का ही रूप है। तो ये हो गया कर्ता, ये हो गया क्रिया। और यहाँ भोजन करना जो है करना, भोजन करना यहाँ क्रिया हो गया। क्रिया में भोजन तो भोजन करना भी एक क्रिया हो गया, लेकिन मेनली क्रिया है करना। करना का मतलब भोजन करना मतलब भोजन खाना। तो इसमें दो दो क्रियाएं हैं, मैं नहाकर भोजन करता हूँ तो इसमें एक भोजन हो गया मान लीजिए, कर्म हो गया, या मैं नहाकर आम खाता हूँ, मैं नहाकर रोटी खाता हूँ, मैं नहाकर रोटी खाता हूँ, आप इसमें ऐसा कर दीजिए मैं नहाकर, और स्पष्ट हो जाएगा क्लियर, रोटी खाता हूँ, मैं नहाकर रोटी खाता हूँ, मैं नहाकर रोटी खाता हूँ, मैं हो गया करता, नहाकर क्रिया, रोटी का, रोटी क्या हुआ और खाना क्रिया। तो यहाँ दो क्रियाएं हैं एक साथ। तो पहले वाली जो क्रिया है नहाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया इसी को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं तो द्विकर्मक क्रिया कहलाता है, और जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। तो ठीक है, आज के इस कक्षा में बस इतनी ही पढ़ाई हो गई हुई है, और इतने ही पर मैं अब का अपनी पढ़ाई को विराम देता हूँ, और कल से पुस्तक की पढ़ाई होगी। तब तक मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।